नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2020 की लेटेस्ट सूची कैसे सर्च कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों सूची के अंदर आपका नाम है या फिर नहीं है वो कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको भी जानना है तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें चला जाना होगा गूगल के ऊपर। गूगल पर जाकर यहाँ पे सर्च कर लेना होगा पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। दरअसल दोस्तों मैंने रिसेंट के देखिए यहाँ पे सर्च कर रखा है, तो इसको मैं वापस क्लिक करके इसी के ऊपर मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया पीएम किसान सम्मान निधि, तो यहाँ पर सबसे पहले एक मतलब हाइपर लिंक आई है किसान सम्मान निधि लिख कर, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके ऊपर क्या करना हमें क्लिक करना होगा। तो इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये परमिशन मांग रहा है, और इसके अंदर जैसे हम परमिशन देते हैं तो यहाँ पर हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि लिखा हुआ है और ऑलरेडी उसकी वेबसाइट जो है खुल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज लिखी होगी, जूम करके आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फार्मर कॉर्नर, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने काफी सारे ऑप्शन खुल के नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज नजर आ रही होगी, बेनिफिशियरी लिस्ट। तो क्या करना, हम इस बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्या करना, क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार पेज नजर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है कि आपका स्टेट कौन सा सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्लस आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा, प्लस ब्लॉक कौन सा और गांव कौन सा, ठीक है। उसके बाद करके और आपको यहाँ पर गेट रिपोर्ट पे देख लेना है कि आपका कौन सा नाम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टेट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप स्टेट पे यहाँ पर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट के रूप में मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बलिया, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं यहाँ पे जो भी मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है आपका जो नाम आएगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर ब्लॉक आएगा, ब्लॉक को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन सा है ब्लॉक। और ब्लॉक भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ब्लॉक के अंदर आपका गाँव कौन सा है वो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो मैं अपना गाँव यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, गाँव कौन सा है। और यहाँ पर मैंने गांव सेलेक्ट कर लिया है। इन सारी चीजों को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक बात दिखा दो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये जो लिस्ट है प्लस अभी की है 7/1/2020, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की है। तो गेट रिपोर्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मतलब उस गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो मैंने डिटेल भरी है ऊपर, इस डिटेल के अंदर जो भी लोग रहते हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है उसका नाम अभी लिस्ट में जुड़ा फिर या नहीं जुड़ा, यहाँ पर आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मतलब काफी लोग सभी के नाम आ चुके हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो ये मतलब आप इस तरह लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई दोस्तों एक प्रकार से लिस्ट देखने का तरीका। अगर आपका भी नाम जुड़ गया है तो आप इसके अंदर आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका नाम नहीं जुड़ा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा हमें, हो सकता है हम इस परेशानी के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। दोस्तों अब आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। और दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा नेगेटिव सेंट्रिक वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।